इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले हैं, जितने हैं चाटुकार सब पत्रकार, मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। अर्णव गोस्वामी आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ, हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी कहां तू छुपके बैठी है? अर्णव गोस्वामी, ए अर्णव गोस्वामी कहां है रे भड़वे, कहां है तू दल्ले, कहां है तू? अब चिल्लाएगा नहीं, नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ, क्यों रे भड़वे? अर्णव गोस्वामी कहां है तू, कहां छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना, तेरी बेटी नहीं है ना, तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसीलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? और प्रधानमंत्री मोदी कहां हो तुम? क्यों, कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। और योगी आदित्यनाथ कहां हो आप, कहां हो? जवाब दो, जवाब दो, देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे, अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लेकर आए थे आप? क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत, उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो, आप भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं, इतनी दरिंदगी हो रही है, एक 19 साल की बच्ची गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। स्मृति ईरानी कहां है तू रे हथनी, कहां है तू स्मृति ईरानी, कहां है तू? महिलाओं के बात करने वाली क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे, भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी कहां तू छुपके बैठी है? कहां है सब भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब, कहां है? कोई आगे नहीं आएगा, तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे? और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहां है सब? गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है। अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देखकर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको, इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले हैं, जितने हैं चाटुकार सब पत्रकार, मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। अर्णव गोस्वामी आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ, डिबेट करेगा, बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से, चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात कर रहे, चुप साले, क्या साबित करना चाहते साले? बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से, इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चक्का है बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले, कहां ठोक रहे हो तुम लोग, कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, सब चाटुकार पड़े हुए हैं, पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे,
लेकिन वो जो दर्द, वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी। मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों होगा, काजल ने शायद कुछ बोली नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी, सब एकजुट हो जाइए, दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका। और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भड़वों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे? हाँ, भड़वा नहीं बोलेंगे, बल्ला नहीं बोलेंगे? तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा।